तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ममाज गर्ल एक ही, और मैं हूँ याना। आज हम बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, और आपको देखकर पता तो चल गया होगा। बताते हैं, शॉर्ट सा वीडियो बनाएंगे, लॉन्ग वीडियो नहीं होगा। इवन एक शॉर्ट्स में भी आएगी तो वो और भी शॉर्ट होगा, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये ना मैंने नायका से मंगाया था। मतलब बहुत सारे मेरे बॉडी वॉशेस मैंने ऑर्डर किए थे, शॉपिंग वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, तो उसी में मैंने मंगाया था। लक्स का मैंने 4-5 मंगवा दिया था तब, तो हर चीज़ ट्राई कर देख रहे हैं। और मैंने ना इसका एक छोटा सोप लिया था, वो था ग्रीन और वाइट कलर का कवर में, तो मुझे लगा वैसे ही सिमिलर स्मेल रहेगा, कर ऑलमोस्ट वैसा है और अच्छा भी लगता है। लेकिन वो वाला ज़्यादा, मतलब जो सोप था ना, वो ज़्यादा ऐसे परफ्यूम टाइप था जो अच्छा लगता था। ठीक है, ये वाला जो है आप नहाते हैं तब तक रहेगा। पहले तो हाँ, जेल लिक्विडी सा है, ये ग्रीन कलर है। ग्रीन बोलने से ये एक्वा ग्रीन होता है ना, ये वैसे कलर में है। ट्रांसपेरेंट बॉटल है, और बॉटल बहुत ही, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब इतना सारा मैंने अब तक बॉडी वॉशेस यूज़ किए हैं ना, पर मुझे मतलब सिंपल सा स्लीक टाइप वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऊपर से इसका जो कॉम्बिनेशन दिया है ना, ट्रांसपेरेंट बॉटल, ग्रीन अंदर, फिर ऊपर में ये वाइट फ्लास्क, तो मुझे वो अच्छा लगा। लक्स का बॉडी वॉश स्किन डिटॉक्स एलोवेरा सेंट इसमें है करके, ठीक है। और रिसाइकल बॉटल है, 245 ml की आती है, और मुझे कितने में मुझे पड़ी थी प्राइस, और नायका में कितने में अब है करंटली वो हम मेंशन कर देगी, पर इसका एक्चुअल प्राइस है 109। तो लेकिन कुछ डिस्काउंट में आई थी, मे भी मेरे ख्याल से ना मुझे 99 rupees में आई थी ये, और इतना सारा कॉम्बो टाइप हो गया था ना मेरा, तो उस वजह से। और अब बताते हैं इसके बारे में, से नहाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वही हम हमेशा आप लोगों को बोलती है ना, एक रिफ्रेश, मतलब रिलैक्स, जब आप बात लेते हो और आपको वो फीलिंग आती है, वो वाला बहुत सही रहता है। मतलब आप होता है ना, पूरा दिन का जो टेंशन है वो सब एकदम जस्ट काम डाउन हो जाए, तो ये वैसा है। लैदर बहुत अच्छे से करता है, बॉडी को ड्राई आउट नहीं करता। मतलब किसी किसी का, मतलब इवन ड्राई स्किन वालों को, हाँ ड्राई स्किन वाले अगर नहा के निकलेंगे तो उनको, ड्राई स्किन वाले अगर नहा के निकलेंगे तो उनको तब बॉडी लोशन लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, वो भी इमिडिएटली, क्योंकि तब थोड़ा ड्राई आउट करेगा वैसे फील है। लेकिन हम जैसे जो ऑयली स्किन वाले हैं उनको नहीं करता है ये, तो ये चीज़ है। लेकिन नहाते टाइम लैदर बहुत बढ़िया करता है। हम ना ये इतने तक था, और हम इसे मतलब ऑन एंड ऑफ टाइप, हम कभी सोप यूज़ कर रही थी, कभी कोई और बॉडी वॉश, उसके बीच में मैंने इसे कंटिन्यू 2-3 दिन करके यूज़ किया, ऐसे करके और भी बहुत, मतलब एक 7-8 days तक मैंने कंटिन्यू यूज़ किया, मतलब दूसरी चीज़ों के साथ में। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मतलब अगर बाई करने की सोच रहे हो तो ले सकते हैं। अगर किसी में स्टिक हो तो प्लीज़ स्टिक रहे, तब आप यहाँ वहाँ जाकर लेने की, आपको अगर आप किसी में स्टिक हो तो वही ले, और यहाँ वहाँ जाकर नई चीज़ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिसको ट्राई करना है या प्लान कर रहे हैं तो ले सकते हैं। बाई, ख्याल रखिए।